नाज़रीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है स्टेक विद बर्न बटर सॉस। और बर्न बटर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बटर। फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लिया है क्योंकि हम बना रहे बर्न बटर सॉस, क्योंकि बटर जो है वो थोड़ा सा बर्न होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक ही सिंगल पैन के अंदर हम सॉस भी बनाएंगे, इसकी वेजिटेबल भी बनाएंगे और हम अपना स्टेक भी बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगा गार्लिक क्लोव्स, छिलावा लहसुन और ये मेरे पास है फ्रेश थाइम। अगर आपके पास फ्रेश थाइम अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ड्राई पाउडर वाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे है जो हम स्टेक के लिए मीट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अंडरकट, अंडरकट मीट या टेंडरलाइन भी बोला जाता है इसको। उसको मैंने क्या किया था, क्लिंग रैप कर दिया था इसको अच्छे से टाइट करके, और उसके बाद जो रैप करने के बाद मैंने इसके पीसेस काट लिए। तो इसका आप देख सकते हैं किस तरह अच्छे से राउंड शेप के गोल पीसेस आ चुके हैं। तो ये 2 से 3 जो है मैं इस बटर के अंदर जो है ये डाल के इसको दोनों साइड से एक अच्छा सा कलर दे दूँगा। वैसे लोगों को लगता है स्टेक बनाना एक बहुत ही मुश्किल आर्ट है, तो आज मैं आपको एक वन पॉट के अंदर एक क्विक और ईजी और एक फैंसी रेसिपी सिखाऊंगा। अच्छा, इसको हाई फ्लेम के ऊपर हमने क्या करा है, स्टेक को दोनों तरफ से अच्छे से सेयर करना है ताकि एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। और हाई फ्लेम पे इसलिए करेंगे ताकि हमारे जो स्टेक के जो राउंड पीसेस हैं वो डी शेप नहीं होंगे, वो अपने शेप के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, अंडरकट की ख़ास बात ये होती है कि ये जो है बहुत जल्दी बन जाता है, यानी कि 2 से 4 मिनट के अंदर हमारा मीडियम स्टेक तक पहुंच जाता है और 5 से 6 मिनट के अंदर ये फुल कुक हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं ऊपर से थोड़ी सी सीजनिंग कर रहा हूँ ब्लैक पेपर की। इसके अंदर बहुत सारे हमें कोई मसाले लगाने की या कोई बहुत सारी सॉसेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनली जो है इसके अंदर खाली काले मिर्च और नमक का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मीट के अंदर जो है अगर अपना मीट का फ्लेवर नहीं आ रहा और आपने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्च डाल के और बहुत सारे मसाले डाल के अपना मीट का फ्लेवर छुपा दिया, तो फिर मीट खाने का मज़ा नहीं आता। ऑलमोस्ट हमारा जो है मीट है, क्योंकि ये छोटे 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 स्मॉल पीसेस थे तो ये ऑलमोस्ट मीडियम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ब्रोकली है। अगर आपके पास ब्रोकली अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप कॉलीफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम फूल गोभी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक मीट का अपना फ्लेवर आ गया, फिर जैसे मैंने थाइम डाला था इसके अंदर, गार्लिक डाला था, उसका फ्लेवर आ गया। अब वेजिटेबल जो है वो अपना फ्लेवर छोड़ेंगे, तो बटर के अंदर जो है ये एक नेचुरल फ्लेवर आएगा और इसकी सॉस जो है बहुत मज़ेदार होती है। और इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ चेरी टोमेटोज, ये छोटे वाले चेरी टोमेटोज हैं। अगर ये भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं हो तो आप टमाटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक आलू लिया, उसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर काट लिया। यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, ये कुक्ड है तो इसकी आपको रेसिपी बता दूँ। आपने क्या करना है, 200 ग्राम बटर के अंदर इसको हल्की आँच के अंदर तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकने देना है। अब यहाँ पर मैं इसको खाली जस्ट मैंने छुरी से इस तरह करके कट लगाए हुए थे। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जिस तरह किसी स्किन होती है फिश वगैरह की, उस तरह का इसका कितना खूबसूरत टेक्सचर आ गया है। तो ये हमारा पोटैटो फॉन्डेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अच्छा, ये जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी सॉस, वेजिटेबल और स्टेक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसका जस्ट आखिरी स्टेप मेरे पास यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ किनवा सीड्स का, ठीक है, जिस तरह हमारा दलिया होता है उस तरह के ये किनवा होते हैं। इसको बॉयल करके भी लोग खाते हैं, पर यहाँ पर जो है मैं एक टेक्स्चर देना चाह रहा हूँ क्रिस्पी, तो यहाँ पर मैं इसको टोस्ट करूँगा पैन के अंदर। आज मैं आपको कुकिंग के साथ साथ और खाने के साथ साथ डिफरेंट टेक्सचर से प्ले करना सिखा रहा हूँ कि एक खाने के अंदर जो है क्रिस्प टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर। यहाँ पे मैं 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनूंगा।
तो यहाँ पे हमारा किनवा भी जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम चलेंगे अपनी प्लेटिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने बनाई है ग्रीन पीस की प्यूरी, यानी कि मटर जो होता है हमारा, वो मटर मैंने लिए थे तकरीबन 200 ग्राम के करीब। उसको गर्म पानी के अंदर मैंने हल्का सा बॉयल नहीं किया, जस्ट उसको 2 से 3 मिनट के लिए डाला और मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको हल्का 20 यानी कि 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने उसमें बटर डाल के और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जो आप देख सकते हैं ये हमारी एक प्यूरी बन चुकी है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्यूरी, सबसे पहले इसकी बेस के अंदर यहाँ पे मैं ऐसे प्यूरी डालूँगा। ठीक है, डालने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको फोक से इस तरह इसकी बेस के अंदर लाऊँ। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अपना पोटैटो फाउंडेंट। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह ये प्लेट जो है वो कलरफुल हो रही है, जो मेरा आपको बेसिकली बताने का मकसद था कि किस तरह जो है आप कलर्स के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो था हमारा पैन टोस्टेड किनवा वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक क्रिस्प टेक्सचर देगा। लास्ट में जो हमारी यही बर्न बटर सॉस जो थी, इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा वेजिटेबल्स का, मीट का और हमारा जो है थाइम और गार्लिक का एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ चुका है, स्प्रिंग अनियन। और यहाँ पे जो है कैबेज यानी कि गोभी। जी नाज़रीन, तो आज की जो हमारी बर्न बटर स्टेक था वो रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कुकिंग टेक्निक्स और डिफरेंट टेक्सचर के साथ और डिफरेंट कलर के साथ प्ले किस तरह करते हैं और किस तरह एक बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर किस तरह ये स्टेक्स की प्लेट्स तैयार होती हैं तो वो आपने सीखा हो। और अगर आपको ये रेसिपी और ये आपको कुकिंग टेक्निक सीखनी हो तो आप आ सकते हैं कौथम कराची के अंदर। ये कौथम कराची आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है शेफ़्स को कि किस तरह इंटरनेशनली आप ग्लोबली शेफ्स के साथ की ट्रेनिंग आप हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।